हेल्थ डिपार्टमेंट, ये बड़ा ही हसास और सेंसेटिव मामला होता है। इसमें किसी के साथ मजाक में भी हम इस तरह की बात नहीं करते। हम तब ही ये बात करते हैं कि जी किसी को कोई बीमारी है, स्पेशली अभी जो कोरोना की जो वबा फैली हुई है, जब तक उसका रिटर्न रिजल्ट हमारे हाथ में ना हो। अब उस रिटर्न रिजल्ट के लिए भी ये नहीं है कि हम हर लेबॉरेटरी पर यकीन रखते हैं, बल्कि इस पूरे पाकिस्तान में NIH, फिर उसके बाद हमारी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 3 दिन से हमारी सीधू ग्रुप ऑफ टीचिंग हॉस्पिटल की जो पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब है, उसने भी इंडिपेंडेंटली काम शुरू कर दिए। तो उसके रिजल्ट्स भी उतने ही ऑथेंटिक है जितने हमारे लिए NIH या KMU के रिजल्ट हैं। अब ये जो खातून हमारी बड़ी मुख्तरम फनकारा नीलू साहिबा, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। बहरहाल अगर उसको कोई शक है या किसी तरीके से वो आके उसको देखना चाहती है, तो उस रिजल्ट का, उसकी और उसकी वालिदा का रिजल्ट हम उसको पहुंचा भी सकते हैं। लेकिन उसने बहरहाल गैर ज़रूरी तौर पे इस चीज़ को मेरा ख्याल शायद एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। हालांकि हमारा ख्याल ये था कि ये एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देगी और हमारे साथ कोऑपरेट भी करेगी, उसी वजह से हमने ये मुनासिब समझा कि इसको इसके घर पर ही क्वारंटीन किया जाए, बजाय ये कि इसको, चूंकि अलामत कोई है नहीं, कि इसको अस्पताल लेके जाया जाए। लेकिन बहरहाल शायद उसकी अपनी कोई मजबूरी थी जिसकी बिना पे उसको ये वीडियो वायरल करनी पड़ी। मेरी अब भी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए हेल्थ एक्सपर्ट नीलो सी भी और मेरे जितने भी इस बात के मजीद सुनने वाले मेरे लोग हैं, तो उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये बीमारी बहरहाल एक वबाई सूरत अख्तियार कर चुकी है, न सिर्फ पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि स्वात में भी इस वक्त ये वबाई सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। तो ये बीमारी होगी भी लोगों को, इससे मतलब कि ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टिग्मा वाली बात है कि जिसको अपने आप अपने ऊपर इस तरह लें कि ये मेरे खिलाफ साजिश है या इस तरह की कोई चीज़ है। नहीं जी, इस बीमारी को आप बीमारी के तौर पे लें, जिस तरह की मजीद बीमारियां हो सकती हैं, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकते हैं, ये भी उसी तरह की एक बीमारी है। तो काइंडली मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि बीमारी इसको कंसिडर कर ले कि हाँ ये बीमारी है, ये हमें लग सकती है, और इससे रोकथाम के जो जरिए अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को बता रही है, तो काइंडली वो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको आप ऑब्जर्व करें। स्पेशली नीलो साहिबा या STC हमारी और भी जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ आगे बढ़ें और इस मौजी मरस की रोकथाम के लिए हमारे साथ आम नास की आगाही के काम में भरपूर तौर पर आके अपना हिस्सा डालें।